Assalamualaikum everyone, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा वीडियो एक सीरियस टॉपिक के ऊपर है और इस टॉपिक को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फॉरएवर लिविंग के प्लेटफॉर्म से जुड़कर कुछ लोग हमारी यूथ को मिसलीड कर रहे हैं। जो लोग फॉरएवर लिविंग के साथ जुड़कर अपना लाइफ लॉन्ग करियर बनाना चाहते हैं उनको मिसगाइड किया जा रहा है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव किया जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि जो लोग इस अपॉर्चुनिटी से हमारी यूथ को डिप्राइव कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि हम आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं। ये आपको अपॉर्चुनिटी दे नहीं रहे, ये आपसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को छीन रहे हैं। और आपके लिए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक नेक्स्ट सेंचुरी बिजनेस मॉडल है जो कि आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को यहाँ ब्रेन वॉश करके उनका माइंड नेगेटिव कर दिया गया है। पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम तो आप लोग सब जानते ही हैं, सैयदा फरियाद अली, और मैं पार्ट हूँ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का, जिसके फाउंडर हैं मोहम्मद ज़ीशान। और हमारे प्लेटफॉर्म का मकसद है पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को प्रमोट करना। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम एक मिशन को लेकर चल रहे हैं कि हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपने पॉइंट्स रखने के साथ साथ मैं मोहम्मद ज़ीशान साहब के वीडियो की कुछ क्लिपिंग्स भी इसमें ऐड करूंगी ताकि आप लोगों के सामने एक स्ट्रॉन्ग केस पुट फॉरवर्ड कर सकूं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इज अ इंटरनेशनल ब्रांड, ठीक है, जो कि 44 इयर्स से 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं। और 160 कंट्रीज का मतलब है कि 160 कंट्रीज की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर जगह पर, हर इंडस्ट्री के अंदर, हर इलाके के अंदर जहां कुछ अच्छे लोग हैं वहां कुछ थोड़ी सी तादाद में कुछ बुरे लोग। अपॉर्चुनिटी इज अमेजिंग, लेकिन अपॉर्चुनिटी को गलत तरीके से प्रेजेंट करना, गलत तरीके से पोर्ट्रे करना और गलत तरीके से उसका बेनिफिट उठाना, ये गलत है। जो स्कैमर्स हैं ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस करके इस इंडस्ट्री का नाम खराब कर रहे हैं, विच इज देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये कहना कि फॉरएवर लिविंग का प्लेटफॉर्म ही गलत है या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही गलत है, बहुत गलत होगा। यहाँ पर आई थिंक जितनी गलती इन स्कैमर्स की है उतनी ही गलती उन लोगों की भी है जो इन लोगों की बातों में आ जाते हैं। ऐसे लोगों से जब हम ये पूछते हैं कि फॉरएवर लिविंग के बारे में आपके व्यूज आखिर इतने नेगेटिव क्यों हैं, तो उनके पास कोई सॉलिड जवाब नहीं होता। वो बस यही कहते हुए सुने जाते हैं कि हमने सुना है, हमने किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी है। तो देखिए, एक रूल है जो ना सिर्फ यहाँ बल्कि आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में अप्लाई होता है कि सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन ना करें, पहले अच्छे से उस बात की तस्दीक कर लें। और आजकल ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, इंटरनेट इज राइट इन योर हैंड्स। तमाम इन्फॉर्मेशन की वेरिफिकेशन रिसर्च करके आप खुद बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। अपना होमवर्क अच्छे से कर लें, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचें या उसके बाद ही अपनी कोई राय कायम करें। और अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हैं और मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पॉजिटिविटी की तरफ अपना पहला कदम उठा चुके हैं। तो चलते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ। कोई भी नेटवर्क ज्वाइन करने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि इस नेटवर्क के टीम लीड कौन है। लेकिन फॉरएवर लिविंग का ऑफिशियली पाकिस्तान में अभी कोई हेडक्वार्टर नहीं है। पाकिस्तान में जितने भी एफबीओज वर्क करते हैं, जो एथिकल वर्क कर रहे हैं, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द यूएई हेडक्वार्टर्स। तो ये जरूर चेक कर लें कि आपकी टीम लीड यूएई में है या इंडिया में है। अगर जिनकी प्रेजेंटेशन आपने अटेंड की है उनके टीम लीड इंडिया में है तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मैं यहाँ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही या ये नहीं कह रही कि हर इंडियन एफबीओ अनएथिकली बिजनेस कर रहा है, लेकिन देखा यही गया है कि मेजॉरिटी जो नेगेटिविटी पाकिस्तान में इस वक्त फैली हुई है उसका सोर्स गोज़ बैक टू इंडिया। अच्छा टीम लीड या अच्छा मेंटोर कौन हो सकता है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़े से पॉइंट्स हैं जो आपको जहन में रखने चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या वो इंसान अपने प्रोफेशन और अपनी इंडस्ट्री के साथ सिंसियर है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, लैंग्वेज किस किस्म की इस्तेमाल कर रहा है, कैलिबर क्या है उनका, फॉरएवर लिविंग के साथ बिजनेस करने के अलावा और क्या प्रोफेशन है, क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं लाइफ में, क्या वो इस काबिल हैं भी कि एक इंटरनेशनल बिजनेस को रन करने के लिए आपको लीड कर सकें और आपको सिखा सकें। आई थिंक 5 मिनट भी अगर आप इन सारे पॉइंट्स के बारे में सोचेंगे तो आपको क्लियरली आपका जवाब मिल जाएगा, यस और नो। अब बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या वो कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि ये वाकई फॉरएवर लिविंग की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं या फिर सिर्फ फॉरएवर का नाम यूज़ करते हुए अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं।
सबसे पहला पॉइंट है मंथली सैलरी। वो अपने पोस्ट में या अपनी बातों में मंथली सैलरी मेंशन करेंगे और साथ ही आपसे ये भी कहेंगे कि आपका सिलेक्शन बेस करेगा इंटरव्यू पे। आप इंटरव्यू पास करेंगे तो ही आप फॉरएवर बिजनेस ओनर बन सकते हैं। जी हमारा जो अपलाइन है वो तो 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, उसके पास तो 1 सेकंड सिर को जाने का टाइम नहीं है। वो आपको 5 मिनट देगा, आपका इंटरव्यू करेगा, ठीक है। अब वो इंटरव्यू जॉब के अंदर होते हैं, बिजनेस के अंदर कौन सा इंटरव्यू है, ठीक है। और इंटरव्यू के अंदर वो ऑलमोस्ट 99.9% लोगों को ये देखते हैं कि क्या इसके पास पैसे हैं, क्या हम इससे कुछ नोच सकते हैं। That's it. आप इसी बात से उनके IQ लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि उनको फॉलो करने वाले भी इस बारे में नहीं सोचते कि दुनिया के कौन से बिजनेस में सैलरी मिलती है। आपसे सैलरी बेस्ड डील करने का मकसद ये है कि वो आपसे सारा काम करवाएंगे और फॉरएवर का जितना बेनिफिट है वो खुद उनके लिए होगा। जबकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसको ज्वाइन करते ही 24 आवर्स में आप खुद एक इंटरनेशनल बिजनेस ओनर बन जाते हो। और बिजनेस ओनर की सैलरी नहीं होती, उसकी इनकम जनरेट होती है या प्रॉफिट जनरेट होता है जो कि अनकैप्ड होता है। अनकैप्ड का मतलब अनलिमिटेड, यानी आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट या इनकम जनरेट होगी। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेंगे तो 18,000 मिलेंगे, सुपरवाइजर बनेंगे तो 45,000 मिलेंगे, असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे तो 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, मैनेजर बन जाएंगे तो 3 लाख रुपए मिलेंगे। ये मैं 120% कह रहा हूँ कि अब डायमंड मैनेजर भी बन चुके हैं और आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कोई फिक्स सैलरी नहीं देती। पहले स्टेप के ऊपर जो लोग झूठ बोल के काम को शुरू करते हैं तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि बाकी उन लोगों ने क्या करना है। तो जो शख्स आपको एक बिजनेस पार्टनर की तरह नहीं बल्कि एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट कर रहा है डे वन से, वो शख्स आपके साथ सिंसियर नहीं है। सेकंड रेड फ्लैग है रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज करना। ये लोग कहते हैं कि हमारे वेबिनार्स अटेंड करने के लिए या बिजनेस प्रेजेंटेशन अटेंड करने के लिए आपको हमारे साथ रजिस्टर करना होगा, जिसकी वो कुछ फीस चार्ज करते हैं। इस बात को वेरीफाई करना बहुत आसान है। फॉरएवर लिविंग की वेबसाइट के ऊपर कहीं पे ये मेंशन नहीं हुआ हुआ कि ऐसी कोई रजिस्ट्रेशन फीस फॉरएवर चार्ज करती है। फॉरएवर की वेबसाइट पे उनकी कंपनी पॉलिसीज मौजूद है, प्लीज लॉग इन कीजिए और खुद पढ़िए। वो आप लोगों से 1200 रुपए या 2400 रुपए जो है वो फीस के नाम पर या ट्रेनिंग के नाम पर लेना शुरू कर देते हैं, विच इज एथिकली रॉन्ग। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर यूनिकनेस क्या है, बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से या बाकी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी से फॉरएवर लिविंग डिफरेंट क्यों है? नंबर वन कि इसके अंदर कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, जीरो। इसके अंदर कोई ट्रेनिंग फीस नहीं है, जीरो। सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशंस, ईच एंड एवरीथिंग फॉरएवर लिविंग प्रोवाइड्स यू फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पैसे वो आपसे एक ट्रैप में लाकर आपको फंसा दें। रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर या किसी भी किस्म की फीस के नाम पर कोई भी इंसान जो फॉरएवर लिविंग से जुड़ा हो आपसे ये कहे कि मुझे एक सर्टेन अमाउंट जैज कैश के थ्रू ट्रांसफर कर दो या इजी पैसा के थ्रू ट्रांसफर कर दो, वहीं से आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ कुछ गड़बड़। थर्ड रेड फ्लैग, 2CC विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन का वो जिक्र ही नहीं करते। फॉरएवर लिविंग ने एक इजी ऑप्शन या फ्लेक्सिबल ऑप्शन दिया हुआ है उन लोगों के लिए जो 2CC एक लमसम अमाउंट में या वन गो में नहीं कर सकते, 2CC लेवल अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट या विदाउट एनी मनी। ये इन्फॉर्मेशन वो जानबूझकर आपसे शेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो तो काम ही लालच की बेसिस पे कर रहे हैं। उनको सिर्फ आपके 2CC के अमाउंट रिसीव करने से मतलब है। तो अगर वो आपको जीरो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बता देंगे तो वो आपको स्कैम किस तरह करेंगे। दूसरी बात, 2CC विदाउट इन्वेस्टमेंट प्लान में मेहनत करनी पड़ती है, अपने डाउनलाइन को सिखाना पड़ता है कि ये टारगेट किस तरह अचीव किया जाए। तो इन लोगों को तो ना खुद मेहनत करनी है ना मेहनत करवानी है, इनका तो मोटिव ही कुछ और है। ना इनको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता है, वो आपको काम कैसे सिखाएंगे, ये कैसे सिखाएंगे कि जीरो इन्वेस्टमेंट से 2CC कैसे की जाती है। आई थिंक इतनी डिटेल्स तो इनको खुद भी नहीं बताऊंगी। रेड फ्लैग नंबर 4, 30,000 में 2CC कीजिए। ऐसा कोई इंस्टॉलमेंट प्लान या अनदर पैकेज टू कंप्लीट योर 2CC फॉरएवर लिविंग ऑफर नहीं करता। ये अमाउंट कम करके सिर्फ इसलिए बताते हैं ताकि ऐसे लोगों को अपने साथ फंसा सकें जो 2CC का फुल अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते। लोगों को लगता है वाओ ये तो बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है और यूं वो उनकी बातों में आ जाते हैं। और जो लोग इस जाल में फंस जाते हैं उनसे ये पैसे तो ले लेते हैं लेकिन उनको प्रोडक्ट रिसीव नहीं होती। 1 महीना 2 महीने गुजर जाते हैं प्रोडक्ट रिसीव नहीं होती, जबकि हमारे नेटवर्क में पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नोन फॉर दिस फैक्ट कि हमारी प्रोडक्ट 7 to 8 वर्किंग डेज में FBO तक पहुँच जाती है। एक और चीज़, ये लोग आपसे 30,000 रुपये भी ले लेते हैं और आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स जो आपकी नेशनल आईडी कार्ड पर मेंशन होती है आपसे वो इन्फॉर्मेशन भी लेकर आपकी आईडी खुद क्रिएट कर लेते हैं। नेवर डू दैट। अपनी NIC की डिटेल्स कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। फॉरएवर लिविंग की वेबसाइट पे जाइए, अपनी आईडी खुद बनाइए। अगर आपको कोई इशू आ रहा है अपनी अपलाइन से गाइडेंस लीजिए और अपनी आईडी खुद क्रिएट करें। उसके बाद डायरेक्टली ऑन द वेबसाइट ऑर्डर प्लेस कीजिए अपने जर्नी पैक का अपने ही बैंक कार्ड से एंड रिसीव योर प्रोडक्ट्स इन जस्ट 8 डेज।
इट्स एज सिंपल एज दैट. आपको किसी लोकल अकाउंट में थ्रू जैस कैश व्हाटसोएवर पेमेंट ट्रांसफर करने की जरूरत है ही नहीं. आपकी पेमेंट डायरेक्ट फॉरएवर लिविंग को ही जाएगी. यहाँ पर मुझे एक बहुत ही फनी बात याद आ गई. ये स्कैमर्स किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाते हैं. उनसे कहते हैं हम आपकी आईडी एक्टिव करा देंगे और आपकी आईडी के नीचे दूसरी आईडीज लगा देंगे. ये किस किस्म की लैंग्वेज है, मेरी समझ से बाहर है. आईडी लगाना, आई मीन दिस इज सो अनप्रोफेशनल. आईडीज रजिस्टर होती हैं, वो आपके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं जो आपके साथ रजिस्टर होते हैं. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. सो ये छोटी छोटी बातों पे अगर आप गौर करना शुरू कर दें, आपको इस ट्रैप में होल्स नजर आना खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे. रेड फ्लैग नंबर 5, डेट एक्सटेंशन. हरी अप, अवेल दिस ऑफर. आपने अक्सर ऐसी पोस्ट देखी होंगी जो ये हाइप क्रिएट करती है कि जल्दी से फॉरएवर के साथ रजिस्टर कर लें, नहीं तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे. वहाँ एक डेडलाइन दे दी जाती है, 12 मई से पहले पहले रजिस्टर कर लें वरना आपका इतने परसेंट का नुकसान हो जाएगा, इतनी परसेंट प्राइस बढ़ जाएगी वगैरह वगैरह. और लोग पैनिक में आके डिसीशन ले लेते हैं बगैर छानबीन लिए. तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हर 15 दिन बाद 4-5-10 लोग हैं जो एजेंट्स बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो है ये एक स्कीम निकाल देते हैं कि जी कंपो पैक जो है, स्टार्ट योर जर्नी पैक जो है, वो 12 मार्च उसकी आखिरी तारीख है. 12 मार्च गुजर जाएगी तो फिर कहेंगे कि जी नहीं, एक हफ्ता एक्सटेंड हो गई है, 20 मार्च आखिरी तारीख है. करते 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 ये इस चीज से लोगों को प्रेशराइज करके लोगों से जितने पैसे लूटना चाहते हैं वो लूट लेते हैं. इंपॉर्टेंट ये है कि फॉरएवर लिविंग की जो वेबसाइट है वो आप सब लोगों को भी एक्सेस है, तो आप फॉरएवर की वेबसाइट पे खुद जाकर क्यों नहीं देखते. तुम्हें 3.5-4 साल हो गए हैं फॉरएवर के साथ काम करते हुए. फर्स्ट टाइम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने 5% का इजाफा किया है दुनिया को देखते हुए. शिपिंग कॉस्ट अप हो गई है, आपके सामने है सिनेरियो जो चल रहे हैं, और वो भी फॉरएवर की वेबसाइट पे एक महीना पहले से उसका नोटिस आ चुका था. इस ट्रैप पे नहीं आना कि 5 तारीख आखिरी है, 10 तारीख आखिरी है. अगर आपको कभी इस चीज का डाउट भी होता है तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो कस्टमर केयर का ईमेल एड्रेस है उनको ईमेल करेंगे, जी वी हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवर स्पॉन्सर. आपको बता देंगे नहीं जी ये ऑफर खत्म हो रही है या नहीं हो रही. दूसरी तरफ आपके जो कॉन्टेक्ट पर्सन होते हैं वो कंटिन्यूसली आपको प्रेशर कर रहे होते हैं कि फौरन 2CC के अमाउंट सबमिट कराएं, नहीं तो आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर पाए. और हम चंद रुपए बचाने की खातिर अपना फ्यूचर दांव पे लगा देते हैं और बड़ा नुकसान कर बैठते हैं. मुझे डेली बेस के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, यू नो आई एम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एक ऐसी कंपनी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करती, जो 44 इयर्स के अंदर उसने क्वालिटी के ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया. आज जहां हर दुनिया के अंदर मिलावट वाली चीजें मिल रही है, फॉरएवर आज भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे काम कर रही है. सो आई फील प्राउड एज ए फॉरएवर बिजनेस ओनर. मैसेजेस मुझे क्या आते हैं, मैसेजेस आपके सामने है कि सर प्रॉब्लम क्या है कि हमें जिन लोगों ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया है वो हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपने 2CC करना है, जल्दी से जल्दी करना है, पैसे कहीं से भी लाओ, कुछ भी करो और अपने 2CC को कंप्लीट करो. और ये एक मैसेजेस नहीं है, काफी सारे मैसेजेस हैं. आई डोंट वॉन्ट टू शो ऑल मैसेजेस और पीपल आइडेंटिटी बिकॉज पीपल रिस्पेक्ट मी और इसीलिए वो मुझे प्राइवेटली मैसेजेस करते हैं. सो इसी वजह से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो अगेंस्ट लोग हैं, आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग. Why? Because इन्हीं लोगों की वजह से लोग forever living products को बुरा भला कहते हैं, जबकि इसमें forever living products की इतनी सी भी मिस्टेक नहीं है. प्लीज जल्दबाजी में घबराहट में कोई फैसला ना लीजिए. अगर आप एक सच्चे इंसान हैं और सिंसियर इंसान हैं तो प्लीज अल्लाह पे भरोसा कीजिए और जल्दी का काम ना कीजिए. मान लें कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर अगर आपको एहसास हो जाता है कि आपके साथ स्कैम हो गया है या होने वाला है, तो आप ऐसा सोचते हैं कि चले मेरे पास इस पर्सन का फोन नंबर तो है, मैं इनको ट्रेस कर लूंगा. लेकिन क्या आपको ये पता है ये लोग इतने प्रोफेशनली और इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में स्कैम कर रहे हैं कि जिस नंबर से आपको कॉन्टैक्ट किया जा रहा है वो नंबर उस पर्सन के नाम पे रजिस्टर्ड ही नहीं होता. तो जितने ज्यादा ये लोग अलर्ट हैं और वेल प्रिपेयर्ड हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारी यूथ भी उतनी ही ज्यादा अपने होमवर्क में एफिशिएंट हो. जब भी इस तरह का कोई भी पर्सन उनको रीच करने की कोशिश करे तो वो पहली ही कॉन्वर्सेशन में समझ जाए कि ये पर्सन ठीक है या नहीं. तो ये तो हो गए रेड फ्लैग्स. अब मैं बात करूंगी इनकी प्रेजेंटेशंस के बारे में. इन लोगों को वर्गला के ये लोग अपनी प्रेजेंटेशंस में शामिल कर पाते हैं, उनको प्रेजेंटेशंस में आखिर दिखाया क्या जाता है? बिजनेस प्रेजेंटेशन में प्लान तो नहीं दिखाया जाता. हाँ, जो चीज़ दिखाई जाती है वो है एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल. ऐसा लगता है कि वो बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल शो है. जो स्पीकर होगा वो आपको एक बनता हुआ घर या अपना घर दिखा देगा, कोई पिक्चर दिखा देगा कि जी ये मेरा घर है, ये मैंने 1 करोड़ का बनाया है, 1.5 करोड़ का बनाया है. क्या इस घर में जिन लोगों को आप ये दिखा रहे हो उन लोगों को आपने 2 दिन के लिए रहने के लिए जगह दी है? क्या एक बेघर आदमी को आप अपने घर लाकर उसको 1 महीने तक आपने कहा कि आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हो? आपको चेक दिखाएंगे,
जो चेक दिखाते हैं कि जी मैंने 5 लाख रुपए कमाए हैं, 10 लाख रुपए कमाए हैं, तो अफोर्ड नहीं कर सकता बिजनेस को या प्रोडक्ट्स को, या आपने उसको कभी फ्री प्रोडक्ट दिए, क्या आपने वो प्रोडक्ट को डिलीवर करने की जो कॉस्ट है कभी वो भी आपने उनको सेव करके दिए, क्या कभी आपने फ्री डिलीवरी भी दी है एक प्रोडक्ट की? द आंसर इज नो. तीसरे नंबर के ऊपर एक गाड़ी ले आएंगे एंड दे वॉन्ट टू शो यू अ कार. फिर क्या इस गाड़ी में आपने किसी मजबूर को एक डिस्टिनेशन से दूसरी डिस्टिनेशन तक ड्रॉप आउट किया? जब आपका बैंक बैलेंस किसी को हेल्प आउट नहीं कर सकता, किसी मजबूर का सहारा नहीं बन सकता, आप इवन उल्टे उन लोगों से 2400 रुपए लेकर 5-5, 10-10 लाख रुपए के चेक कमा रहे हो, तो आपका ये मकसद क्या है इन चीजों को दिखाने का सिवाय लालच? इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अनएथिकल वे है. फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट के ऊपर ये पॉलिसी के अंदर मेंशन करता है कि आप किसी को लालच देकर बिजनेस में नहीं लाओ. बिजनेस सिखाने के अलावा आपको ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स करते हैं कि आप 2 CC कर लो, उसके बाद आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी. कि भाई ये 6 दिन की वीडियोस हैं और 6 दिन की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगी, ये मेरा चेक, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा घर, दैट्स इट. ना ये आपको बताते हैं कि जी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, ना ये बताते हैं आपको सेल्स स्किल्स क्या है, ये ना ये बताते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है, कुछ नहीं बताते. ये लोग इंसान को लालच देकर और उसके वीक पॉइंट पे हिट करके उनको अपने से अट्रैक्ट करते हैं. इसको कहते हैं इमोशंस से खेलना या जज्बात को एक्सप्लॉइट करना. इस पॉइंट को जीशान साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. लेट्स हियर इट इन हिज ओन वर्ड्स. इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जो 4-5 एजेंट्स हैं उनको इतना इतना उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है कि उनको ये चीज समझ नहीं आती कि हम अपने पाकिस्तानियों से 2400 रुपए लूट कर किसी दुश्मन को क्यों दे रहे हैं. आप खुद सोचिए कि अगर पिछले एक साल में 2000 लोग भी इस ट्रैप में फंस चुके हैं तो 2400 रुपए के हिसाब से 4.8 मिलियन यानी कि 48 लाख रुपए पाकिस्तानी अपने गवा चुके हैं. बाद में जस्टिफाई कैसे करते हैं कि जी आपने तो एक फीस दे दी है, अगर आपने फीस पे कर दी है और स्कूल वालों का कोर्स आपको समझ नहीं आया तो स्कूल तो आपको फीस वापस नहीं करेगा. यस, स्कूल इज डिफरेंट थिंग बट यू आर अ ट्रैप. सो आप लोग ट्रैप हो, आप लोग ये जो पैसे कमाते हो 48 लाख रुपए आप लोगों ने जो चोरी किए हैं, ये वो पैसे हैं जो आप अपने 5-5, 10-10 लाख रुपए के चेक दिखाते हो. 18-19 साल का, आई एम नॉट सेइंग कि नॉट पॉसिबल, लेकिन 18-19 साल का जो स्कूल से भागा हुआ नौजवान है वो बैठकर जो है वो हुडी पहनकर और वो शो कर रहा होता है कि जी आई हैव मेड दिस होम फॉर 1 करोड़. स्किल्स हैं तुम्हारे पास? डू यू हैव प्रोफेशनल लैंग्वेज स्किल्स? सो द आंसर इज नो. मैंने ये एज क्रॉस किया है तो मुझे पता है 18 से 25 साल की एज जो है इंसान बहुत जज्बाती होता है, बहुत इमोशनल होता है. वो कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं अपनी फैमिली को पॉवर्टी से बाहर निकालूंगा. मैं उस ऑप्शन के अंदर जब आपको एक अपॉर्चुनिटी नजर आए तो आप उस प्रेशर को बहुत स्ट्रेस के अंदर ले जाते हो कि मुझे कहीं से भी पैसे करने हैं और अरेंज करने हैं और वो पैसे अरेंज करके अपना 2 CC पूरा करना, खासतौर पर हाउस वाइफ के अंदर. और बिलीव मी और नॉट, मुझे जितनी कंप्लेन्स आई हैं, जितनी भी सिस्टर्स हैं, दे आर वेरी मच स्ट्रेस डिप्रेशन के अंदर चली जाती हैं. ठीक है, दीस पीपल बिलीव इन पुटिंग अप अ शो ऑन सोशल मीडिया जहां पर वो अपने आप को कुछ ऐसे दिखा रहे होते हैं जैसे ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं. आपने प्रोबेबली देखा होगा कि ये अपने सेशंस में चीप टैक्टिक्स को फॉलो करते हैं, मार्केटिंग गिमिक्स, अटेंडीज को बार बार ये कहना कि जाके मेरा प्रोफाइल लाइक करो, उसको फॉलो करो, उसको अपने कम्युनिटी में शेयर करो, जो नहीं करेगा उसको आगे वाली प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा. This is even sounding so wrong. मुझे वाकई हैरत है उन लोगों पर कि इतनी सब बातें नोट करने के बावजूद आपके जहनों में घंटी क्यों नहीं बजती. Do you know, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ज्वाइन करने से पहले, सबसे पहले मुझे फॉरएवर लिविंग की अवेयरनेस किसने दी थी? Yes, your guess is right. एक इंडियन नेटवर्क ने. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इन तमाम रेड फ्लैग्स को मैंने फौरन ही नोटिस कर लिया था और साथ ही मुझे फॉरएवर लिविंग का प्लेटफॉर्म काफी पसंद आया था. मेरे माइंड में एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई थी कि ये है क्या, और उसी क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने अपनी रिसर्च की और फिर मैंने अपना टाइम डेडिकेट कर दिया ऐसे लोगों की सर्च में जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं और लाइक माइंडेड हैं. क्योंकि मुझे पता था कि वंस आई एम इन फॉरएवर लिविंग, ये मेरा जिंदगी भर का करियर या मेरा जिंदगी भर का बिजनेस होने जा रहा है, तो यकीनन मैं ऐसे लोगों के साथ अपनी टीम बिल्ड करना चाहूंगी या एक टीम का हिस्सा बनना चाहूंगी जो कि प्रोफेशनल्स हैं, एथिकल हैं, उनकी मॉरल वैल्यूज मेरी मॉरल वैल्यूज जैसी हैं, और जिनके साथ काम करके मैं कुछ सीखूंगी भी और अपना वर्क एंजॉय भी करूंगी. सो दिस इज हाउ आई फाउंड आउट अबाउट दिस प्लेटफॉर्म और अल्हम्दुलिल्लाह आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट नाउ. इन द एंड मैं यही कहना चाहूंगी कि रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में होता है. स्टॉप लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स. लालच ना करें, क्विक रिच स्कीम्स के पीछे ना भागें, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो दे देती हैं लेकिन एट व्हाट कॉस्ट. आप लूज कर जाते हैं अपने मॉरल्स, अपनी इज्जत, और आप पैसा किस तरह कमा रहे होते हैं,
किसी अगले का नुकसान करके। यहाँ पे मुझे एक परवीन शाकर साहिबा का एक शेर याद आ चुका है और ये बिल्कुल सूट होता है उन एजेंट्स के ऊपर जो 4 या 5 हैं पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं कि तोहमत लगा के माँ पर जो दुश्मन से दाद ले ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम आउट कि जिस ट्रैप में आप लोग फंस चुके हो जहाँ पे आपको 4-5-10 लाख रुपए मिलते हैं आप अपने जमीन को मुर्दा कर चुके हो आप पाकिस्तानी यूथ को एक गलत तरीके से गलत रास्ते पे लेके जा रहे हो। एज ए पाकिस्तानी कौम जब हम दुनिया के अंदर एक ऐसे खत्ते में मौजूद हैं कि जहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंस बहुत है और हमारे दुश्मन काफी सारे अपनी यूथ को इस ट्रैप में आने से बचाना है। हमारी जो यूथ है वो बहुत कीमती है वो हमारा एसेट है और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें अच्छे और गलत में बताएं कि इसके अंदर तमीज कैसे करें। अब जो स्कैमर्स और उनके एजेंट्स हैं उनको हमने बाहर कैसे निकालना है। जो लोग अपने मुल्क में वॉशरूम्स नहीं बना सकते वो हमारे मुल्क में आकर मिलियनियर्स बनाएंगे खुद सोचिएगा। खास तौर पे जो एजेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा अलार्मिंग पॉइंट है कि आपकी वजह से फॉरएवर लिविंग का नाम खराब हो रहा है आपकी वजह से पाकिस्तान के अंदर यूथ के अंदर एक कैरियर अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। इट्स डज नॉट मैटर कि सिर्फ उसने आपको अपॉर्चुनिटी बता दिया तो लाजमी आप उसके साथ बाउंड हो गए। नो एज ए मुस्लिम हमारा बिलीव है कि अगर आपके पेरेंट्स भी आपको इस्लाम के अगेंस्ट करते हैं या जिंदगी के असूलों के खिलाफ आपको तालीम देते हैं तो यू हैव टू पॉइंट आउट। हर इंसान ने अपनी अमाल का हिसाब खुद देना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बात स्पेशली मैं अपनी यूथ को एड्रेस करना चाहूंगी। आप अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में सोच रहे हैं आपका एक डिसीजन डिसाइड कर सकता है कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को जरा गौर करें एटलीस्ट उन लोगों से जरूर शेयर करें जो उस ग्रुप के अंदर हैं ताकि आप उनको ये पैगाम पहुंचा दें कि दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे लोगों को तलाश कीजिए या ऐसे प्लेटफॉर्म को तलाश कीजिए तो आपको ना सिर्फ अर्निंग का तरीका सिखाए बल्कि आपकी स्किल्स भी डेवलप करें क्योंकि इवेंचुअली कामयाब इंसान वही है जिसकी पर्सनालिटी डेवलप हुई हुई हो जिसमें एक लर्निंग एटीट्यूड हो। इसके बगैर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। यस ये तरीका फॉलो करने से आपको अपेरेंटली लगेगा कि आपकी प्रोग्रेस स्लो है लेकिन आपकी ये शुरू की मेहनत ही बेस बनेगी आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। मेरे और आप सबके हद्दिल अजीज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बात हमें एज ए पाकिस्तानी अपने दिमाग और दिल में बसा लेनी है क्योंकि ये वो फंडामेंटल सूल हैं जिससे आपकी जिंदगी सिर्फ बेहतर नहीं होगी बेहतरीन हो जाएगी। यूनिटी एज ए कौम बनकर हमने काम करना है पाकिस्तानी कौम एंड फेथ हमारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के ऊपर है कि जो हमारा राजिक है जो हमें रिस्क देने वाला है वो ऊपर बैठा कोई इंडिविजुअल जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें रिस्क नहीं देती हमारा और डिसिप्लिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे वो बात करने का हो चाहे वो टाइम पे आने का हो ये वो चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन कर सकती हैं। रिमेंबर अगर हम अपना काम सिंसियरिटी के साथ और ऑनेस्टी के साथ करें तो अल्लाह उसकी मेहनत का फल जरूर देता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसी नोट पर मैं अपने वीडियो को कंक्लूड करूंगी। आप में से कोई भी अगर मुझसे इस टॉपिक पर मजीद डिस्कशन करना चाहता है या क्लैरिटी चाहता है तो आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर या मेरे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।